हेलो फ्रेंड्स, हाय, वेलकम टू एंजल क्लासेस। आज आपके सामने क्यूब और क्यूबॉइड का एक नया कॉन्सेप्ट फिर मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, जिसमें मैंने आज कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट ट्रिक्स लिखी है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि क्यूब की इम्पोर्टेंट ट्रिक्स होती है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है एन बराबर बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। छोटे घनों की संख्या निकालनी हो तो एन की घात 3 लिखेंगे, और यदि आपको ऐसे घन जिनकी 3 सतह रंगी हो फाइंड करना है तो मैंने पहले भी बताया है उनकी संख्या 8 होती है, और यदि ऐसे घन जिनकी 2 सतह रंगी हो तो उसके लिए ये लिखा है 12n-2। और नेक्स्ट, ऐसे घन जिनकी 1 सतह रंगी होती है 6n-2 का होल स्क्वायर, और ऐसे घन जिनकी कोई भी सतह रंगी ना हो n-2 का होल क्यूब। तो इस तरह से यहाँ पर आपके लिए इम्पोर्टेंट ट्रिक्स है फ्रेंड्स। तो मैंने आपके सामने एक नया क्वेश्चन लिया है, जैसे कि देखना आप 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में विभाजित करना है। मतलब ये बताया है कि 3 सेंटीमीटर भुजा वाला एक बड़ा घन है, उसको 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में विभाजित करना है। तब हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में से निम्नलिखित क्वेश्चनों का जवाब देना, जैसे कि छोटे घन प्राप्त करने के लिए इसे कुल कितनी बार काटना होगा। जैसे कि हमसे पूछा है कि यदि हमें छोटे घन प्राप्त करने हैं तो बड़े घन को कुल कितनी बार काटना पड़ेगा। तो मैंने पहली वीडियो में बताया था घनों को काटने का तरीका, मैंने यह भी बताया था यदि बड़े घन में से एक छोटा घन काटना हो तो उसमें 3 बार कट लगाए जाते हैं। जैसे कि मैं आपके सामने यहाँ पर एक डायग्राम बनाऊंगा और इसमें मैं आपको कट लगाने का तरीका सिखाऊंगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए 3 सेंटीमीटर भुजा वाला एक बड़ा घन है, मैंने यहां पर आपके सामने 3 सेंटीमीटर भुजा वाला घन लिखा है, और इसमें 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घन लगाने हैं। जैसे कि मैंने बताया था यदि 3 सेंटीमीटर दिया है तो मैंने बताया था 2 कट लगेंगे, 1-1 सेंटीमीटर के बराबर बराबर 2 कट लगेंगे। तो इस प्रकार हमें 3 भागों में यह घन डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 3 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है, 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घन आप बना रहे हैं, देखना जैसे कि क्वेश्चन में लिखा है छोटे घन प्राप्त करने के लिए इसे कुल कितनी बार काटना होगा। तो मैंने घन को काटने की टेक्निक बताई थी, यहां पर हम सामने से देख रहे हैं इसको 2 बार काटेंगे सामने से, ये 2 बार काटा है इसे, फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, और अब हम इसको ऊपर से देखते हैं 2 कट लगाने हैं। एक बार ये हो गया और एक बार ये हो गया, तो हमारे 2 कट ये हो गए। अब हम फ्रंट से देखते हैं, दो
घट हमारे सामने से हो गए। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं हम एक बड़े घन में से कुल कितने बार इसको हमें काटना पड़ेगा। तो एक बार फिर काउंट करते हैं, दो कट हमारे हो गए, एक दो तीन चार पांच और एक ही हो गया छह। तो इस प्रकार हमारे क्वेश्चन का आंसर है कुल काटना पड़ेगा इसको छह बार। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कुल छोटे घनों की संख्या कितनी होगी। तो दिए गए क्वेश्चन में से हम छोटे घनों की संख्या निकालेंगे, जैसे कि मैंने यहां पर लिखा है छोटे घनों की संख्या कितनी होगी। तो हम देखते हैं एन की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहां पर इस क्वेश्चन को हल करते हैं, एन बराबर बड़े घन की भुजा 3 सेंटीमीटर होती है और छोटे घन की भुजा 1 होगी। 1 से इसको डिवाइड करेंगे, 1 या 3, तो एन की वैल्यू हमारी 3 हो गई। अब हम छोटे छोटे घनों की संख्या फाइंड कर लेंगे, एन की पावर 3, तो हमारे छोटे घनों की संख्या हो गई एन की घात, सॉरी यहां एन की वैल्यू भर लेंगे 3, 3 की घात 3 भरेंगे 27, तो हमारे छोटे छोटे घनों की संख्या 27 हो गई। क्वेश्चन का आंसर सी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कुल शीर्ष घनों की संख्या। कुल शीर्ष घनों की, जैसे कि मैंने वीडियो में बताया था शीर्ष घनों की संख्या, जो शीर्ष घन होते हैं कॉर्नर वाले घनों को शीर्ष घन कहते हैं, ये हमारा शीर्ष घन है। जैसे कि एक घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं तो प्रत्येक शीर्ष पर एक घन रखा होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कुल शीर्ष घनों की संख्या हमारी 8 हो गई। काउंट भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक शीर्ष ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और एक इसके नीचे 8, तो हमारे कुल शीर्ष घनों की संख्या 8 हो गई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कुल मध्य घनों की संख्या। मध्य घनों की संख्या का मतलब मैंने बताया था जिसकी दो सतह दिखाई देती है वे हमारे मध्य घनों की संख्या कहलाते हैं। तो मध्य घनों की, जैसे कि हमारी ये दो सतह दिखाई दे रहे हैं, ये मध्य घन होंगे, यहाँ पर हमारा मध्य घन होंगे, यहाँ मध्य घन होंगे, यहाँ मध्य, इस तरह से मैंने मध्य घन बताया है आपको ये। तो मध्य घन यानी कि जिसकी दो सतह दिखाई देती है, तो ये भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं आप मध्य घनों की संख्या निकालने के लिए। यहाँ पर 12n-2, जैसे कि हमें पता है एन की वैल्यू हमारी 3 है, तो 12 एन की वैल्यू 3-2 करेंगे तो 12 गुणा 3 में से 2 घटाया 1, तो 12 ही 12, तो हमारे मध्य घनों की संख्या हो गई 12। तो फ्रेंड्स देखना क्वेश्चनों को, बहुत ही अच्छी तरीके से कोशिश कर रहे हैं हम आपको बताने की, और आगे भी कोशिश ही करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छा सिखा सके। अभी हमारे इसमें एक दो क्वेश्चन हो रहे हैं, कर लेते हैं इनको। इसमें 5 नंबर है। इसके बाद कुल केंद्रीय घनों की संख्या, कुल केंद्रीय घनों की संख्या, केंद्रीय घनों की संख्या बतानी है। ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन 6, सी ऑप्शन 8, डी ऑप्शन 12। तो अब हम देखते हैं कुल केंद्रीय घनों की संख्या। केंद्रीय घन का मतलब होता है जिसकी एक सतह दिखाई देती है, जैसे कि मैंने बताया था जिसकी एक सतह दिखाई देती है वह केंद्रीय घन कहलाते हैं। आप चाहे इसको प्रैक्टिकल में काउंट कर सकते हैं या फिर आप यहां पर भी फाइंड कर सकते हैं ऐसे घन जिनकी एक सतह रंगी हो या एक सतह दिखाई दे। तो अब हम फाइंड करेंगे केंद्रीय घनों की संख्या 6n-2 का होल स्क्वायर। n की वैल्यू हमें मालूम है, n बराबर हमारा 3 है, तो यहां पर हम वैल्यू भरेंगे n की 3-2 का होल स्क्वायर 6, 3 में से 2 घटाया 1, 1 का वर्ग 1, तो हमारे केंद्रीय घनों की संख्या हो गई 6।
हमारे केंद्रीय घनों की संख्या हो गई 6। अब हम काउंट भी कर सकते हैं केंद्रीय घनों की संख्या इसमें से, जैसे कि मैंने बताया था सेंटर वाला केंद्र वाला घन जिसकी एक सतह दिखाई देती है हमें केंद्रीय घन होता है। जैसे यहां पर लिख रहा हूं मैं ये रहा केंद्रीय घन 2 3। अब सामने से जैसे हमें 3 फलक दिखाई दे रहे हैं इस घन के, जबकि रियल में 6 फलक होते हैं, तो 3 फलक पर हमारा एक एक केंद्रीय घन दिखाई दे रहा है और बचे हुए अन्य 3 फलकों पर भी हमारा एक एक केंद्रीय घन होगा। इस प्रकार 3 और प्लस 3 6 हो जाते हैं, तो हमारे कुल केंद्रीय घनों की संख्या 6 हो गई। और या फिर आप इस ट्रिक से भी आप फाइंड कर सकते हैं कुल केंद्रीय घनों की संख्या 6। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, कुल अंत केंद्रीय घनों की संख्या, कुल अंत केंद्रीय घनों की संख्या, कुल अंत केंद्रीय घनों की संख्या जैसे कि हम सब जानते हैं अंत केंद्रीय घन होता है हमारा केंद्र के अंत घन, केंद्र के अंदर वाला घन जिसकी कोई सतह रंगी नहीं होती है उसको बोलते हैं हम अंत केंद्रीय घन। तो उसके लिए मैंने कॉन्सेप्ट भी लिखा है, ऐसे घन जिनकी कोई सतह रंगी नहीं होती है तो उनको बोलते हैं अंत केंद्रीय घन। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है, यहां से हम निकाल सकते हैं इनकी संख्या n-2 का होल घन, और n की वैल्यू हमें मालूम है 3-2 का होल घन, और इस प्रकार 3 में से 2 घटाएंगे 1 का घन 1। तो अंत केंद्रीय घनों की संख्या हमारी होती है 1। तो अंत केंद्रीय घनों की संख्या 1 हो गई। जस्ट इसके बाद देखते हैं 7वां क्वेश्चन है, घन की प्रत्येक भुजा कितने भागों में विभक्त है। घन की प्रत्येक भुजा कितने भागों में विभक्त है। जैसे कि आपको पता है ये हमारा 3 सेंटीमीटर भुजा वाला बड़ा घन है, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, तो इसको हम देखते हैं कितने भागों में विभक्त है। ये हम निकाल सकते हैं यहां से, हमारा ये एक भाग ये हो गया। तो इसकी प्रत्येक भुजा 3 भागों में विभक्त है, इधर से देख लीजिए या फिर इसको इधर से देख लीजिए, 1 भाग 2 भाग 3 भाग या ऐसे देख लीजिए 1 2 3, या ऐसे 1 2 3, या ऐसे देख लीजिए 1 2 3, या फिर ऐसे देख लीजिए 1 2 3, ऐसे देख लीजिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3, किसी भी तरह देख सकते हैं। तो घन की प्रत्येक भुजा कितने भागों में विभक्त है, तो हमारे पता है 3 भागों में विभक्त है, या हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, यह हमारा एन यही तो कर सकता है, घन की प्रत्येक भुजा को भागों में दर्शाने का कार्य एन का ही होता है। हम इससे भी कर सकते हैं, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एन बराबर बड़े घन की भुजा 3 और छोटे घन की भुजा 1 1 3 3, तो हमारे घन की प्रत्येक भुजा 3 भागों में विभाजित है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब हम आपके यहाँ जो नया क्वेश्चन है बहुत ही इंपोर्टेंट है, और इसमें मैं कलर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन बताऊंगा कि किन किन सतहों को, फलक की किन किन सतहों को किस किस रंगों से दर्शाया गया है, और इसके अकॉर्डिंग हम सतहों को रंगी हुई सतह के निम्नलिखित क्वेश्चनों को हम ज्ञात करेंगे। जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन है नेक्स्ट, 6 सेंटीमीटर भुजा
वाला बड़ा घन है 6 सेंटीमीटर, भुजा वाले बड़े घन को दो सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में बांटना है और इसके चार सतहों को और इसके चार सतह या फलक कह सकते हैं हम को लाल रंग से रंग दिया को लाल रंग से रंग दिया जाए तथा दो विपरीत सतहों को काले रंग से रंग दिया जाए तब हमें निम्नलिखित क्वेश्चनों का जवाब देना है। जैसे कि हम सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है कुल छोटे घनों की संख्या देखिए कुल छोटे घनों की संख्या या अन्य क्वेश्चनों को हम हल करेंगे, लेकिन इससे पहले हम यह देखते हैं कि हमारी n की वैल्यू क्या बनती है। जैसे कि बड़ा घन 6 सेंटीमीटर है हमारा और इसको हम छोटे छोटे दो सेंटीमीटर वाले छोटे घनों में डिवाइड करेंगे, तो 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 2 × 3 = 6। तो n की वैल्यू हमारी आ गई 3। जब n बराबर हमारे 3 है तो घन की प्रत्येक भुजा को हम 2 भागों में काटेंगे, तो हमें यहां पर घन बना लेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। सबसे पहले घन बना लेंगे ताकि इसके अकॉर्डिंग हम अच्छी तरीके से क्वेश्चनों को सिखा सके। देखना एक बड़ा घन है 6 सेंटीमीटर साइज का, ऐसे, और इसको हमें 2 सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे घनों में डिवाइड करना है, छोटे छोटे घनों में। जैसे मैं 2 सेंटीमीटर के हम यहाँ पर 2 कट लगाएंगे, जैसे कि मैंने बताया था घन बनाने का तरीका 2 सेंटीमीटर का लगभग 1 कट ये हो गया और लगभग 1 कट ये हो गया, 2 सेंटीमीटर का ये, 2 सेंटीमीटर का ये और 2 सेंटीमीटर ये, 6 सेंटीमीटर। अब हम इसको बनाते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से, कोशिश करते हैं बनाने की।
से कोशिश करेंगे। और इधर से भी ऐसे ही कोशिश करते हैं। और ये हो गया हमारा तैयार। अब हम इसके आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे कि इसमें लिखा है इसकी चार सतह को हम लाल रंग से, चार सतह जैसे ये हमारा रेड हो गया, चार सतह हमारी, पहली सतह हमारी ये हो गई एक, दूसरी ये मान लीजिए, और एक सतह ये ले लीजिए आप, एक दो और तीन पीछे हो जाएगी, एक नीचे ले लेंगे कोई बात नहीं, एक नीचे आ जाएगी रेड, नीचे बॉटम में आ जाएगी, और एक बैक में आ जाएगी पीछे रेड, ऐसे पीछे। और जैसे कि हम यहाँ पर थोड़ा सा बना रहे हैं एन बराबर छह बटे दो तीन छह तीन, क्योंकि मुझे यहाँ लिखना है। देखिए लाल सतह हो गई चार, एक दो और एक इसके पीछे हो गई तीन, और इसके नीचे, इसके बॉटम में नीचे एक लाल सतह हो गई, चार सतह हमारे लाल रंग से रंगी गई है। और इनमें हमें दो विपरीत सतहों को काले रंग से रंगा गया है। एक सतह ये ले लेंगे हम राइट साइड की, और एक इधर लेफ्ट साइड की सतह ले लेंगे, ये हमारी काले रंग से यानी कि ब्लैक, ब्लैक कलर से। और इधर भी हमारी ये ब्लैक कलर की हो जाएगी ब्लैक, ये इधर की साइड। तो इस प्रकार हमारा ये घन तैयार हो गया। अब हम इसके निम्न क्वेश्चन को आसानी से हल करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन इसमें है कुल छोटे घनों की संख्या, कुल छोटे घनों की संख्या ज्ञात करनी। जैसे कि मैंने एन बराबर तीन निकाला है, तो कुल छोटे घनों की संख्या हमारी आ गई तीन की घात तीन, तो हमारे कुल छोटे घनों की संख्या आ गई सत्ताईस, कुल छोटे घनों की संख्या सत्ताईस। अब हम इन दो वे से डायरेक्टली भी काउंट कर सकते हैं कि सत्ताईस किस तरह से होता है। देख लीजिए एक दो तीन, पहली लाइन में तीन, दूसरी लाइन में तीन, तीसरी लाइन में तीन, ये नौ हो गए पहली लाइन में, ऐसे ऊपर से नीचे तक, ऐसे ऊपर से नीचे तक हमारे नौ हो गए, फिर नौ इसमें हो गए अठारह, फिर नौ इसमें हो गए सत्ताईस। तो हम काउंट भी कर सकते हैं चित्र में से, सत्ताईस हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक सतह लाल रंग से रंगे घनों की संख्या, एक सतह लाल रंग से, लाल रंग से रंगे घनों की संख्या, तो हमें इसे घनों की संख्या बतानी है जिसकी एक सतह, केवल एक सतह लाल रंग से रंगी हो। तो अब हम देख सकते हैं ऐसे घनों की संख्या जिनकी केवल एक सतह लाल रंग से रंगी हो। तो अब पहले आप यहां पर देख लीजिए, उसके बाद हम कॉन्सेप्ट से भी हल करके दिखाएंगे आपको। पहले डायग्राम में से भी समझना चाहिए आपको अच्छी तरीके से। देखो हम छोटा सा पॉइंट देख रहे हैं, उसने कहा एक सतह लाल रंग की रंगी हुई होनी चाहिए। यहां पर देख रहे हैं दो सतह लाल रंग की है, तो ये तो घन नहीं होंगे। यहां पर भी दो सतह लाल रंग की है, ये सॉरी एक सतह लाल रंग की होनी चाहिए केवल, लेकिन यहां पर एक ब्लैक है, एक हमारी लाल रंग की है, तो ये भी नहीं माना जाएगा, ये भी नहीं माना जाएगा। और इसके नीचे भी आते हैं लाल रंग की, तो हम देखते हैं बहुत ही आसानी से देख लेंगे।
एक सतह लाल रंग की हमारी यहाँ पर दिखाई दे रही है यहाँ पर, क्योंकि इधर भी हमारी दो सतह रहेगी लाल रंग की, इधर की और इसके बैक साइड भी लाल रंग रहेगी ऐसे ऐसे, ये इधर हमारी ब्लैक और रेड हो जाएगा, इधर हमारी रेड और ब्लैक हो जाएगा। तो हमारी ये है केवल एक सतह लाल रंग की है, तो हमारे ये चार फलक है लाल रंग वाले और प्रत्येक फलक में हमें एक सतह लाल रंग वाला गम दिखाई दे रहा है, एक ये रहा एक ये रहा, एक इसके नीचे वाली साइड में हो जाएगा एक इसके इधर फलक में हो जाएगा, तो टोटल हमारे चार गने ऐसे हो गए जिनके एक सतह लाल रंग की होगी, तो ऐसे गणों की संख्या हमारी चार होगी। अब हम इसको कौन शब्द से भी कर सकते हैं, ऐसे घन जिनकी एक सतह रंगी हुई हो लाल रंग की, जैसे कि यहाँ पर तो हमारे छह, ये छह जो लिखा होता है छह के छह फलक यदि लाल रंग के रंगे हुए होते हैं तब हम यहाँ छह लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर केवल इस घन के चार फलक रंगे हुए हैं इसलिए चार लिखेंगे यहाँ पर। तो अब हम यहाँ ट्रिक से भी हल कर सकते हैं, छह के बजाय हम चार लिखेंगे, चार फलक चार इसलिए लिखेंगे क्योंकि चार फलक लाल रंग के रंगे हुए हैं, यदि तीन फलक रंगे हुए होते तो तीन लिखते, दो रंगे हुए होते तो दो लिखते, पांच रंगे हुए तो पांच, छह होते तो छह, अब यहाँ पर चार है तो चार एन माइनस दो का होल स्क्वायर हल करेंगे, चार एन की वैल्यू जैसे हमें पता है तीन है यहाँ पर, तो तीन माइनस दो का होल स्क्वायर तो हल कर लेंगे चार, तीन में से दो घटाए एक का वर्ग एक, तो इस प्रकार हमारे ट्रिक्स के अकॉर्डिंग भी हमारे घनों की संख्या आ गई चार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर तीन, ऐसे घनों की संख्या जिनकी एक सतह काली हो, ऐसे घन जिनकी एक सतह काली हो, तो काले रंग की सतह ऐसे घनों की संख्या, जैसे कि हमें पता है काले रंग वाले सतह हमारी दो है, एक ये राइट साइड की एक लेफ्ट साइड की, और यहां पर भी पूछा है ऐसे घन जिनकी एक सतह रंगी हो, यहाँ पर भी देख सकते हैं मध्य में ही एक सतह रंग से रंगी हुई है काले रंग की, तो एक इधर हो गया घन, एक इधर हो जाएगा दो हो जाएगा, क्योंकि एक ही सतह पूछा है इसने, एक सतह यहाँ पर हमें काले रंग की दिखाई दे रही है लेकिन इसकी दूसरी साइड में लाल रंग है, और वह पूछ रहा है केवल काले रंग की जिसमें न लाल हो न कोई अन्य रंग हो, केवल एक सतह काले रंग की, इसलिए हमने साइड वाले घन नहीं लेंगे क्योंकि ये साइड वाले अन्य सतहों से रंगे हुए हैं, बट यही हमारा एक ऐसा होगा जिसकी एक सतह काले रंग की, तो एक घन ये हो गया हमारा और एक इधर साइड में हो जाएगा, लेफ्ट साइड में भी काले रंग का फलक ये रंगा हुआ, एक घन इधर से हो जाएगा एक इधर से, तो हमारे ऐसे घनों की संख्या होगी दो। लेकिन हम वही ट्रिक से भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया एक सतह, तो यहाँ पर ऐसे घन जिनकी एक सतह रंगी हो वह भी काले रंग की, जबकि यहाँ पर छह है तो छह तो मैंने अभी बताया था, अगर छह के छह फलक काले रंग से रंगे हुए तो तब छह एंट्री भरते हैं यहाँ, लेकिन दो फलक रंगे हुए हैं तो दो भरेंगे यहाँ, दो एन माइनस दो का होल स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, दो एन माइनस दो का होल स्क्वायर तो एंट्री भर लेंगे, दो एन की वैल्यू तीन है, तीन माइनस दो का होल स्क्वायर दो गुणा तीन में से दो घटा एक का वर्ग एक, तो हमारे घनों की संख्या दो आ गई। तो यह क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छी तरीके से है, सीखना चाहिए आपको, और यदि आप हमारे इन सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से समझोगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, आपको क्यूबॉइड और वगैरह ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ इनको आपको लाइन में दोबारा कोई टेंशन या कोई प्रॉब्लम वाली जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आसानी से इनको कर सकते हो। इसमें क्वेश्चन आता है चार, ऐसे घन जिनकी दो सतह लाल हो,
ऐसे घन जिनकी दो सतह लाल हो, ऐसे घन जिनकी दो सतह लाल हो। तो ऐसे घन जिनकी दो सतह लाल हो, देखिए मैंने बताया बहुत ही आसान है, ऐसे घन जिनकी दो सतह लाल हो। यहां पर हमारा दो सतह वाला कॉन्सेप्ट है ये वाला, ऐसे घन जिनकी दो सतह रंगी हो। लेकिन अगर उसकी छह की छह सतह होती तो आप हम यहां पर बारह का यूज करते, लेकिन यहां पर दो सतह रंगी हुई है, सॉरी दो नहीं चार सतह लाल रंग की, लाल रंग की कितनी सतह है चार। तो अब हम यहाँ एंट्री चार बढ़ेंगे, चार एन माइनस दो, ऐसे हम ठीक से कर लेंगे बहुत आसानी से, चार एन माइनस दो और यहाँ पर चार एन की वैल्यू हम भरेंगे, जैसे कि मैंने बताया था तीन है, एन बराबर तीन माइनस दो, चार गुना तीन में से दो घटाएंगे तो ऐसे घनों की संख्या हमारी आएगी चार। तो ऐसे घन जिनकी दो सतह लाल रंग से रंगी हो उनकी संख्या होती है चार। और आप यहां पर इनको फाइंड भी कर सकते हो, देख लीजिए दो सतह लाल रंग की यहां पर है एक, और एक सतह यहां रहेगी, एक घन यहां रहेगा, एक ऊपर से एक इसके नीचे से, दो घनिया हो गए आमने सामने, ये एक यहां पर हो गया और एक इसके नीचे हो जाएगा, जैसे इसके नीचे ये है ऐसे इसके नीचे वाला आएगा, तो दो घन इधर हो जाएंगे हमारे, दो घन यहां पर हो जाएंगे, तो कुल घनों की संख्या हमारी चार हो जाएगी जिनकी दो सतह लाल रंग से रंगी हो। तो आप इसे भी डायग्राम में से आप आसानी से पहचान सकते हो और आप ट्रिक के माध्यम से भी आसानी से कर सकते हो ये सब क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ऐसे घनों की संख्या जिनकी तीनों सतह लाल रंग से रंगी हो, ऐसे घन, ऐसे घन जिनकी तीनों सतह, तीनों सतह लाल रंग से रंगी हो, लाल रंग से रंगी। तो हमें ऐसे घनों की संख्या निकालनी है जिनकी तीनों सतह लाल रंग से रंगी हो। अब देख लीजिए आप तीनों सतह वाले हमारे कौन से होते हैं, ऐसे घन जिनकी तीन सतह रंगी हो, ऐसे घन हमेशा हमारे आठ होते हैं और वे कॉर्नर वाले होते हैं, कॉर्नर पर। अब हम देखते हैं कॉर्नर वाले घनों की तीनों सतह लाल रंग से रंगी हुई है या नहीं रंगी हुई है, हमें ये देखना है। जैसे कि आपको दिखाया गया है डायग्राम में, ये कॉर्नर वाला जिसकी तीन सतह दिखाई दे रही है, इसकी दो सतह तो लाल रंग की है और एक सतह ब्लैक यानी काले रंग की है, तो इसकी तो कोई भी सतह तीनों यानी कि तीनों सतह लाल रंग से रंगी हुई नहीं है क्योंकि एक सतह काले रंग की है। इसी प्रकार यहां भी एक सतह काले रंग की, इसी प्रकार यहां भी एक सतह काले रंग की है। तो ऐसे घनों की संख्या इधर भी ऐसी काले रंग की, उधर भी ऐसी काले रंग की, नीचे भी काले रंग की, तो इसकी ऐसी कोई भी ऐसा कोई भी घन नहीं है जिसकी तीनों सतह लाल रंग से रंगी हुई। तब तो कह सकते थे यदि ये तीनों सतह लाल रंग की होती, यहां रेड यहां रेड यहां रेड, तो ऐसे घन हो जाते हमारे फिर आठ हो जाते। लेकिन अब हमारे कोई भी ऐसा घन नहीं है जिसकी तीनों सतह लाल रंग की रंगी हो, ऐसे घनों की संख्या शून्य है यानी कि जीरो होती है भैया, देख लीजिए जीरो हो जाएगी इनकी संख्या। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इसमें छह नंबर क्वेश्चन, ऐसे घन जिनकी किसी सतह पर काला रंग हो, ऐसे घन जिनकी किसी सतह पर काला रंग हो,
आप समझ रहे हैं क्या बोल रहा है। ऐसे घनचिन्ह की किसी सतह पर काला रंग, किसी सतह का मतलब हो गया ऐसे घनचिन्ह की कोई भी एक सतह पर जरूर होना चाहिए काला रंग, अन्य कुछ भी हो जाए बस एक सतह पर काला रंग अवश्य होना चाहिए, इसका मतलब यह है इस क्वेश्चन का मतलब। तो हमें देखना है ऐसे घनचिन्ह की एक सतह पर काला रंग हो गया, जिनकी किसी सतह पर, किसी का मतलब कोई भी सतह पर काला रंग होना चाहिए। तो ऐसे घन देख लीजिए, काला रंग काला काला रंग काला ये रहा, तो नौ घन तो ये हो गए हमारे, और नौ घन ही इधर हो जाएंगे हमारे काले रंग वाले, जिनकी एक सतह पर काला रंग तो अवश्य है। तो हमारे नौ घन इधर हो गए ऐसे जिन पर एक सतह पर काला रंग, और नौ घन इधर हो गए तो ऐसे घनों की संख्या हो गई हमारे 18। तो ऐसे घनों की संख्या हो गई 18। तो फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। अब थोड़ा हम एक नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। वैसे तो क्वेश्चन बहुत सारे हैं जिसमें अलग अलग रंगों के मैं कराऊंगा, लेकिन आपके लिए जितना मैंने कॉन्सेप्ट दिया है इससे भी आप हर तरह का क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। यदि आप सबको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें तो आप हर तरह के क्वेश्चन कर सकते हो। अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट चलते हैं क्योंकि वीडियो काफी लंबी खिंच जाएगी, तो इसलिए मैं थोड़ा सा नया टॉपिक लूंगा क्यूबॉइड। क्यूबॉइड तो आज हम क्यूबॉइड के बारे में अच्छी तरीके से समझेंगे और इसको बहुत ही अच्छी तरीके से बढ़ाते हैं आगे। तो आज का टॉपिक है हमारा क्यूबॉइड। क्यूबॉइड है आज का टॉपिक, लिख सकते हैं हम इसको। क्यूबॉइड को हिंदी में कह लेते हैं घनाभ। इससे पहले हमने क्यूब पढ़ा है, थोड़ा क्यूबॉइड पर चर्चा करेंगे। तो घनाभ किसे कहते हैं, सबसे पहले ये जानेंगे घनाभ किसे कहते हैं। तो घनाभ एक आयताकार आकृति पर बनाया जाता है, जैसे मैंने बताया था कि घन एक वर्गाकार आकृति पर बनाया जाता है, इसी कारण उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंची समान होती है। बट घनाभ जो है एक आयताकार आकृति पर बनाया जाता है और इसी कारण से घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई असमान होती है, यानी कि अलग अलग होती है। तो लिखेंगे घनाभ एक आयताकार आकृति पर बनाया जाता है, आयताकार आकृति पर बनाया जाता है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही असमान होती है। जैसे इसके एग्जाम्पल्स समझेंगे, घनाभ के उदाहरण देख लीजिए। जैसे ईंट, इसका एक उदाहरण है। किताब भी इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है, और माचिस और यह कह सकते हो सिगरेट किट भी, सिगरेट की डिब्बी, ये घनाभ के बहुत अच्छे उदाहरण है। अब हम थोड़ा इसके डायग्राम को समझ लेते हैं।
घनाभ एक आयताकार आकृति पर बनाया जाता है। अब हम आपके सामने इसकी आकृति दिखा रहे हैं कि घनाभ एक आयताकार आकृति पर बनाया जाता है। ये आपका घनाभ तैयार हो गया, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है। तो इस प्रकार हम इसमें कुछ इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट देखते हैं। थोड़ा मैं यहां पर इसको रिमूव कर रहा हूं, मिटा रहा हूं, ताकि मैं यहां पर आपको अच्छी तरीके से कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट बता सकूं। देखिए हमारा घनाभ है यानी क्यूबॉइड, अब हम इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझेंगे घनाभ के बारे में। सबसे पहले देखेंगे जिस प्रकार हमने घन में जाना था कि घन में कितने फलक होते हैं, कितने शेष होते हैं, कितने कॉर्नर होते हैं, वो सब इसमें भी जानेंगे। घनाभ में इसमें ऐसे लिखेंगे, घनाभ में छह फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं? छह। फलक संख्या होती है छह। शीर्ष संख्या होती है इसकी, शीर्ष या कोने आठ होते हैं। किनारे या भुजाएं कह सकते हो बारह होते हैं। और इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग होती है। इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग होती है, अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। और इसमें समझेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो घनाभ का आयतन लंबाई चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और इसमें भी हम लिखेंगे घनाभ में भी सामने से तीन फलक दिखाई देते हैं। घनाभ में सामने से तीन फलक दिखाई देते हैं, तीन फलक दिखाई देते हैं। जैसे कि मैं थोड़ा यहां पर डायग्राम बना रहा हूं छोटा सा, देख लीजिए तीन फलक दिखाई दे रहे हैं, एक दो तीन। और सामने से सात शीर्ष दिखाई देते हैं, सामने से सात शीर्ष दिखाई देते हैं।
एक शीर्ष अदृश्य होता है तो फ्रेंड्स ये हमारे क्यूबॉइड के इम्पोर्टेंट पॉइंट है जैसे कि मैंने आपके सामने लिखे हैं। अब हम क्यूबॉइड से रिलेटेड क्वेश्चनों को सीखेंगे। यह भी बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है आपके लिए, बहुत आसानी से आप इसको कर लेंगे। हम थोड़ा इसके एक क्वेश्चन फ्रेंड्स मैंने आपके सामने क्यूब से रिलेटेड टोटल कॉन्सेप्ट कंप्लीट कराए हैं और आप इन क्वेश्चनों को आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे मैं क्यूबॉइड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट कराने जा रहा था बट किसी कारण से मैं उन्हें पूरा नहीं करा पाया, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको क्यूबॉइड से रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से कराऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद, वेलकम्स।